Hi, are you B. a first year student of Dr. Ram Manohar Loya Avadh University, Fajabat? If yes, then I have something for you. Actually, I have a gift for you. You know the subjects, knowledge and curriculum, Gyan Evam This is a mandatory subject for all the students. If you are pursuing BA first year from this university, then you have to study these subjects, knowledge and curriculum, Gyan Evam Partikram. Actually, this is your first paper for the BA first year student, right? And

ओके okay, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ओके okay, तो शुरुआत करते हैं 2016 से देखते हैं कि 2016 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और कैसे पूछा गया था एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सब्जेक्ट में टोटल पाँच यूनिट है ठीक है और पाँच यूनिट्स में टोटल सेवेंटी नंबर का आपका पे एक्सटर्नल पेपर होना है यानी कि ऑलमोस्ट बारह से पंद्रह नंबर का हर एक यूनिट से क्वेश्चन आने हैं मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के अंदर दो ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसे आप प्रिपेयर कर लें सो मोस्ट प्रॉब्बली चांस है कि वही क्वेश्चन आ सके उसमें से मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये पिछले पाँच साल के क्वेश्चन पेपर का रिसर्च है मेरे पास ओके okay. तो शुरुआत करते हैं टू में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था ओके okay. ओके okay. तो क्वेश्चन पेपर का मैं फोटो भी आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करना चाहूँगा देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था टू में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं मतलब प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन ठीक है 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था देखिए नंबर्स कितने नंबर्स के पूछा जाता है डजेंट मैटर ओके मे बी ये कभी चार नंबर में दो नंबर में या कभी इससे मीन दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सके तो बस हम एक बार टच करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कैसे पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो टू में क्या पूछा गया था पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन ठीक है 2016 में लॉन्ग आंसर टाइप में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्यक्रम के अर्थ और परिभाषा पर प्रकाश डालिए पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए इसका मतलब क्या हुआ वट डू यू मीन बाई मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ करिकुलम ठीक है तो हमें uh, पाठ्यक्रम के डेफिनेशंस मीनिंग और टाइप्स के बारे में पढ़ना यानी कि अर्थ परिभाषा और प्रकार के बारे में टू थाउजेंड में क्वेश्चन पूछा गया था दो क्वेश्चन ठीक है लेट्स गो लेट मूव 2017 2017 में बस एक क्वेश्चन आया था पाठ्यक्रम की उपयोगिता बताइए यानी कि यूज ऑफ करिकुलम आप इसको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम भी कह सकते हैं बिकॉज बोथ आर क्वाइट सिमिलर ओके यानी कि पाठ्यक्रम की उपयोगिता टू में यह हिट किया गया था 2018 में देखिए क्या क्वेश्चन आया था कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य बताइए द सिमिलरली लाइक व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम ओके पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है 2018 में ही एक और क्वेश्चन आया था कि पाठ्यक्रम के प्रकार और निर्माण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए यानी कि टाइप्स ऑफ करिकुलम एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन देखें ये वो जो क्वेश्चन है वो रिपीट किया जा रहा है मतलब सेम क्वेश्चन को बार बार लेट्स मूव फर्दर इन टू 2019 में क्या आया था कि एम ऑफ करिकुलम सेम बात है कि उद्देश्य हमें वर्णन करना है किसका करिकुलम का और फिर से पूछा गया है कि टाइप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम यानी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करिकुलम एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन यानी कि पाठ्यक्रम के प्रकार क्या हैं और पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन 2019 में दो क्वेश्चन पूछा गया था 2020 की बात कर ले थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया था कि वट आर द डिफ्रेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम और सिलेबस में क्या फ़र्क है ये क्वेश्चन को पूछा गया अब देखिए सॉरी 2016 से लेके अच्छा अब ध्यान देखें 2016 से लेके 2020 तक के क्वेश्चंस को अगर एनालिसिस किया जाए थोड़ा सा रिसर्च किया जाए तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं जैसे कि पहली चीज है कि व्हाट आर द वट सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम मतलब करिकुलम का मतलब क्या है करिकुलम का अर्थ पर प्रकाश जा रही है इसके अलावा करिकुल करिकुलम को परिभाषित कीजिए डिफाइन द करिकुलम पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए ठीक है नेक्स्ट आते हैं कि वट आर द टाइप्स ऑफ करिकुलम करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के प्रकार क्या-क्या हैं और एक क्वेश्चंस जो कई बार पूछा जा चुका है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन-कौन से हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस इस क्वेश्चंस को भी क्या हुआ कई बार रिपीट किया गया है. और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू नो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स कैरेक्टर्सिस्टिक्स दो चीजों को उद्देश्य और उसकी विशेषताएं इन अगर ये कुछ पॉइंट अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी लाइक डेफिनेटली विल गेट अ वन क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ओके क्योंकि जो भी क्वेश्चन है फोर्थ यूनिट के वो इसी के आसपास घूम रहे हैं ओके तो बस ये अच्छा ओके चलो ठीक है इन सबको समराइज करके ना एक क्वेश्चन बना देते हैं हम ठीक है इस सारे जो भी क्वेश्चन पूछे गए इसको समराइज करके एक क्वेश्चन बना देते हैं वो क्वेश्चन क्या होगा पाठ्यक्रम के अर्थ और परिभाषा पे प्रकाश डालिए इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा इसके निर्माण में कौन कौन से सिद्धांतों का उपयोग होता है व्याख्या कीजिए ठीक है सिमिलरली इंग्लिश में बात करें तो व्हाट व्हाट डू डू मीन बाय करिकुलम डिफाइन इट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करिकुलम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा इसमें ऐड और कर देंगे कि वट आर द ऑब्जेक्टिव एंड वट आर द कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द करिकुलम ठीक है uh, पाठ्यक्रम की विशेषताएँ और उद्देश्य पे प्रकाश डालिए तो ये क्वेश्चन देखें दो तो हज़ार सत्रह से बीस तक बार बार इन टाइप्स के क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है रिपीट किया जा रहा है सो आई विल रिक्वेस्ट टू द ऑल द स्टूडेंट दोस्त हुर प्रिपेयरिंग फॉर द बी एड फर्स्ट ईयर एंड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी आई वी रिक्वेस्ट हम द रिक्वेस्ट यू डोंट स्किप दिस क्वेश्चन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर स्टडी आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ यूनिट ऑफ दिस नॉलेज एंड कैरिकुलम इट्स क्वाइट ईजी एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है ओके लेट बी लेट बी टेल यू वन मोर थिंग ये तो क्वेश्चन हो गया इसके आंसर्स क्या होंगे इसके आंसर्स के लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो आपको बना दूंगा मेरे चैनल पे आपको स्पेसिफिक एक वीडियो मिले इवन आई हैव अ पी डी एफ ऑल्सो आई हैव प्रिपेयर अ पी डी एफ इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ हिंदी और अंग्रेजी में बोथ मैंने मतलब एंड मैंने एक पी डी एफ प्रिपेयर करी ये जो भी क्वेश्चन है ना उसमें पी डी एफ में मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें देखें मीनिंग ऑफ करिकुलम डेफिनेशन ऑफ करिकुलम टाइप्स ऑफ करिकुलम करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द करिकुलम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द करिकुलम एंड लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन तो ये सारे जो टू पॉइंट्स है ना इसके मैंने पी डी एफ ऑलरेडी बना रखे हैं अच्छा पी डी एफ को रिफरेंस मैंने कहाँ से किया है मेरे पास अग्रवाल पब्लिकेशन की नॉलेज एंड करिकुलम की बुक है इसके अलावा आई हैव अ सूर्या सीरीज यू नो सूर्य सीरीज का मेरे पास uh, uh, किताब है ओके okay, सो so, इन दोनों को स्टडी करके इन दोनों के रिफरेंस से मैंने ये पी डी एफ प्रिपेयर किया हिंदी और इंग्लिश दोनों में सो नेक्स्ट मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा इसके आंसर्स को लेकर आप प्लीज़ उसे विजिट करके जरूर देखना और वहाँ से पी डी एफ को डाउनलोड कर लेना ये किताब हाथ में आया तो आई टू थैंक्स अ वेरी स्पेशल फ्रेंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल बिकॉज अ रियली गुड फ्रेंड मेरे पास ये किताब नहीं थी बट दैट फ्रेंड केम फ्रॉम भरत कुंड टू यूनिवर्सिटी एंड गेव मे दिस बुक सो आई एम सो थैंकफुल टू यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू यूनिवर्सिटी एंड गेविंग मे दिस बुक थैंक यू सो मच ओके मे ऑल माइ टी ग्लेस यू एंड गेव थैंक्स टू यू ओनली नॉट टू हू गेव यू दिस बुक ओके सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया ओके सच में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देर आर मोस्ट पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चंस को फिर से 2021 में पूछा जा सके ओके तो प्लीज़ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार जरूर इस क्वेश्चन को देखिएगा किसी भी यूट्यूब चैनल से जरूर पूछिए पढ़िएगा मैंने किसी किताब को रिफ्रेंस बना के पढ़िएगा मैं खुद इस पर एक वीडियो बनाऊँगा आप वहाँ से भी देख सकते हैं जेंट टॉक के नाम से मेरा चैनल है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल से जुड़ते हैं तो मुझे खुशी होगी Uh, साथ में पढ़ लेंगे मैं भी जो पढ़ूंगा आपके साथ शेयर कर लूँगा और जो पढ़ेंगे वो भी मेरे साथ शेयर कर लेंगे ओके सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो टूडे ओके आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ स्टे सेफ बी हैप्पी एंड कीप स्टार्टिंग कीप ग्रोइंग बाइस थैंक यू